हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 25। टुडे वी विल रीड प्रोवर्ब्स चैप्टर 25। सुलेमान के नीति वचन ये भी हैं जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिया के जनों ने नकल की थी। दिस आल्सो आर द प्रोवर्ब्स ऑफ सोलोमन व्हिच द मैन ऑफ हिजकिया किंग ऑफ जूडा कॉपीड। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। इट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड टू कंसील थिंग्स, बट द ग्लोरी ऑफ किंग्स इज टू सर्च थिंग्स आउट। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। एज द हेवंस फॉर हाइट एंड द अर्थ फॉर डेप्थ, सो द हार्ट किंग्स इज अनसर्चेबल। चांदी में से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। As the take away the dross from the silver, and the smith has material of a vessel. राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गच्छी धर्म के कारण स्थिर होगी। Take away the wicked from the presence of the king, and his throne will be established in righteousness. राजा के सामने अपनी बड़ाई ना करना और अपने बड़े लोगों के स्थान में खड़ा ना होना। Do not put yourself in forward of the kings in presence or stand in place trick of the great. क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान ना हो, वरन तुझ से ये कहा जाए आगे बढ़कर विराज। For it is better to be told, come up here, than to be put lower in the presence of a noble. झगड़ा करने में जल्दी ना करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा? What do not hastily bring out into court, for what will do in the end when your neighbor puts you to shame? अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराए का भेद ना खोलना। Do not argue your case with your neighbor himself, and do not reveal another secret. ऐसा ना हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। Least not who hears you bring shame upon you, and you will ill repute have no end. जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसा ही ठीक समय में कहा हुआ वचन होता है। A word filthy spoken is like apples of gold in a setting of silver. जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। Like a gold ring or an ornament of gold is like reprover to a listening ear. जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वाले का जी ठंडा होता है। Like the cold of snow in the time of harvest is a faithful messenger to who send him, he refreshes the soul of the man. जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मारना होता है। Like clouds and winds without rain is a man who boasts of a gift he does not give. धीरे धरने से न्यायी मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। Wait patience is a ruler may be precedented, and a soft tongue will break a bone. क्या तू ने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो अधिक खाकर उसे उगल दे। If you have found honey, eat only enough for you, lest you have filled and it and vomited. अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा ना हो वह खीन होकर घृणा करने लगे। Let your foot be seldom to your neighbor's house, lest he have his fill of you and hate you. जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तो तीर है। A man who bears false witness against his neighbor is like a war club or a sword or a sharp arrow. विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उखड़े पाम के समान है। Trusting in a treacherous man is
टाइम ऑफ ट्रबल लाइक अ बैड टूथ और अ फुट दैट स्लिप्स। जैसा झाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना या सजी पर सिरका डालना होता है, वैसा ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। Whoever sings songs to a heavy heart is like one who takes off a garment on a cold day and like vinegar on soda। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। If your enemy is hungry, give him bread to eat, and if he is thirsty, give him water to drink। क्योंकि इस रीति से उसके सिर पर अंगारे डालेगा और जो हवा तुझे उसका फल देगा। For you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you। जैसे उत्तरी बाजू वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख का क्रोध आ जाता है। The north wind brings forth rain and लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने के छत के कोने पर रहना उत्तम है। जैसा थके मांदों के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसे ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछ पाछ महिमा का कारण होता है। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना गिराव करके तोड़ दी गई हो। आप सभी को जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू।